हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमानत, आपसे स्वागत है अमानत डे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसका पीएलएफ फाइल डाउनलोड कर लेना है। तो पीएलएफ फाइल कैसे डाउनलोड करें वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसका जो लिंक रहेगा वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो लिंक देखिए मैं व्हाट्सअप में कॉपी करके रखा है, मैं वहाँ से डाउनलोड करके आपको यहाँ पे दिखा देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, लिंक मैं यहाँ पे कॉपी करके रखा है व्हाट्सअप में, तो यहाँ से डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक पे और कोई भी एक ब्राउजर में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके ऊपर टच करके इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे टच करेंगे तो इसका डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से RR ऐप डाउनलोड कर लेना है। RR ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसे आपको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है। डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं गोपाष्टमी पोस्टर डिजाइन इस तरह से जो नाम दिया जी फाइल का, तो इसके ऊपर आपको टिक लगा लेना और प्लस के बॉल में तीर का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड मांगा, तो आपको पासवर्ड डाल देना है। आपको पासवर्ड ध्यान से देख लीजिए, पासवर्ड आपको डाल देना है 2540, ये पासवर्ड डाल के ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइल अनजिप हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इसको पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आपको ऐड कर लेना है। तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन में कैसे ऐड करें वो मैं आपको यहाँ पर बता देता है। अगर आपके पास पिक्सल लैब एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो इसके लिंक इसको क्लिक करेंगे, जैसे पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद से 3 डॉट पर क्लिक करना है, ओपन डॉट पीएलएफ फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में डॉट पेल पे लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका फोल्डर शो करेगा। तो आपको तीर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है। डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह फोल्डर शो करा है गोपाष्टमी का, यहाँ पे पोस्टर डिजाइन इस तरह फोल्डर दिख रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन एंड ऐड पर क्लिक करके इसको ऐड कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो और नाम चेंज करना है, तो फोटो को आपको यहाँ से चेंज कर लेना है। यहाँ से फोटो को इस तरह से रिमूव कर लेंगे। उसके बाद प्लस में क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में आ जाएगा। जो फोटो आप लगाना चाहते हैं वो फोटो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं वाला फोटो यहाँ पे इस तरह से ऐड करके फिर से मैं एक बार यहाँ पे इस तरह से ऐड करके इसको थोड़ा छोटा करके इस तरह से हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर टू बैक पर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पर नीचे आएंगे और इसके हम यहाँ से इसके ऊपर इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो नाम लिखा है उसको आपको यहाँ पर एडिट करके आपको अपना नाम लिख लेना और यहाँ से ओके कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है मैंने, इसको भी आपको यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद से जो कलर में थोड़ा डिफरेंट हुआ तो आपको क्या करना है, इस कलर पे क्लिक करके आपको एक बार इसको पूरा वाइट कर लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे इस तरह से कलर एडजस्ट कर लेना है, आपको यहाँ पे यहाँ से करके इस तरह से यहाँ पे इस तरह से कलर इस तरह से कर लेंगे आप, इस तरह से कलर कर देंगे। इसी तरह से अगर नाम में भी कलर चेंज हो जाता है तो आपको इस तरह से कलर कर लेना, इसी तरह से जैसे मैंने बताया इस तरह से कर लेना। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और सेव एज इमेज पे क्लिक कर इसको उसको सेव कर लेना है। और दोस्तों इसको HD में करना चाहते हैं तो उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। उस वीडियो को आप एक बार जाकर देख लीजिएगा किस तरह से HD कर में करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बना तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।